ओटीटी पर धमाल मचाने वाली मिर्जापुर वेब सीरीज का तीसरा सीजन लॉन्च हो चुका है। पूरे सीजन में मिर्जापुर में गद्दी, अपराध, नशा, अवैध वेपन व कालीन का काला कारोबार दिखाया गया है। हालांकि रियल में ऐसा कुछ नहीं है, न यहाँ पर कोई गद्दी रहा था और न ही यहाँ पर अपराध है। अवैध असलाह व नशे के गढ़ जैसा कोई सीन रियल में मिर्जापुर में नहीं है। मिर्जापुर जिले में विश्व प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी मंदिर है, जिसका जिक्र पूरे वेब सीरीज में नहीं किया गया है। तीनों सीजन में एक बार भी माँ विंध्यवासिनी का न तो कोई सीन आया है और न ही यहाँ के बारे में जिक्र किया गया है। माँ विंध्यवासिनी धाम विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज में भले ही कालीन का कारोबार दिखाया गया हो, हालांकि कालीन का कारोबार भदोही का मुख्य कारोबार है। मिर्जापुर जिले का प्रमुख कारोबार पीतल का उद्योग है, जिसका भी जिक्र मिर्जापुर वेब सीरीज में नहीं किया गया है। मिर्जापुर वेब सीरीज में अवैध कट्टा का कारोबार भी दिखाया गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। मिर्जापुर जिले में सीमेंट की फैक्ट्री है, जहां पर बना सीमेंट देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाता है। इसके साथ ही मिर्जापुर जिले में ना कोई गद्दी है, ना ही यहां पर कोई बाहुबली है और ना ही यहां पर कभी गद्दी को लेकर कोई खूनी जंग हुआ है। यह जनपद काशी राज्य के अधीन आया करता था, जहां पर काशी के राजा ही मिर्जापुर जिले पर राज करते थे। मिर्जापुर जिले में न कभी रजवाड़ा था और न ही कभी यहां पर गद्दी को लेकर कोई जंग हुई। यह पांच ऐसे पॉइंट हैं जो वेब सीरीज में मौजूद हैं, लेकिन हकीकत में इसका कोई वास्ता नहीं है। देखिए, मिर्जापुर शब्द ही बड़ा पावन और पवित्र है। यहाँ चरित्र पर अंगुली उठाने की आदत तमाम दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को होती है। अगर इस देश के लोग भगवान राम के चरित्र पर अंगुली उठा सकते हैं, तो मिर्जापुर के चरित्र पर और इतिहास पर अंगुली उठाना ये तो बहुत मामूली सी बात है। लेकिन जिस तरह से तमाम फिल्में बना करके या मिर्जापुर को बदनाम किया जाता है कि मिर्जापुर में नशाखोरी बढ़ रही है, दो चार दस लोग होंगे लेकिन मिर्जापुर की आम प्रवृत्ति नहीं है। मिर्जापुर के लोग बड़े ही शांत प्रिय हैं और व्यवहारिक हैं, मधुर कुशल हैं। और इस तरह से मिर्जापुर को केवल बदनाम करने के लिए और धन कमाने के लिए एक कुचक्र कुछ लोगों द्वारा रचा जा रहा है। मिर्जापुर का शाब्दिक अर्थ ही होता है लक्ष्मी, जहाँ जन्म ली हो उसी को मिर्जापुर कहते हैं। मिर्जापुर अपनी प्राकृतिक छटाओं और तमाम धरोहरों के लिए मशहूर है। कभी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भौगोलिक दृष्टि से हुआ करता था, लेकिन बाद में सोनभद्र बन जाने के बाद इसका क्षेत्रफल कुछ कम हुआ। मिर्जापुर जनपद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक हैं और आप पूरे हिंदुस्तान में घूम आइए, ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। जैसे मिर्जापुर का घंटाघर, यहाँ का पक्के घाट, ओझला का पुल जिस पर पत्थर पर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, ऐसी कलाकृतियाँ आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। और मिर्जापुर धर्म नगरियों में एक अपना विशेष महत्व रखता है। और मिर्जापुर जनपद जहाँ बसा हुआ है, इसके उत्तर में माँ गंगा प्रवाहित होती हैं तो दक्षिण में विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएँ इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। आप पूरब के तरफ जाइए तो बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी है, और अगर आप पश्चिम दिशा में जाइए तो तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग, जिसके पूरा पश्चिम भाग में स्थित है। इस तरह से यह मिर्जापुर जनपद जो कि एक अपना विशेष स्थान रखता है। मिर्जापुर का कभी पीतल का व्यवसाय, लाह का उद्योग जो हिंदुस्तान के स्तर पर अपना एक विशेष स्थान रखता था, इनके बर्तन पर यहाँ के कारीगरों द्वारा निकाली गई नक्काशियाँ, पत्थर की मूर्तियों पर बनाई गई नक्काशियाँ अद्वितीय और बेमिसाल हैं, जिसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ मिर्जापुर में आते रहते हैं। और मिर्जापुर आज भी उत्तर प्रदेश में अपना एक विशेष महत्व रखता है। माँ विंध्यवासिनी की पावन नगरी है,